ghamasan.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीया। आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सुबह भी सीबीआई और ईडी की टीमें पी चिदम्बरम के आवास पर पहुंची, पर उनका पता नहीं चला। इस तरह सुप्रीम कोर्ट से चिदम्बरम को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुबह 10:30 बजे जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच से चिदम्बरम के वकीलों ने जल्द सुनवाई की मांग रखी। इस पर जस्टिस रमन्ना की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और जस्टिस रमन्ना की बेंच ने चिदम्बरम की याचिका को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेजा। अब इस मामले में चीफ जस्टिस गोगोई सुनवाई करेंगे। इससे पहले चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। चीफ जस्टिस की बेंच अभी अयोध्या मामले में सुनवाई कर रही है। फिलहाल चिदंबरम को राहत मिलने की उम्मीद कम है। दरअसल मंगलवार को गिरफ्तारी से बचने के लिए पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। चिदंबरम ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन जस्टिस रमन्ना की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं हाई कोर्ट के जज ने आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। दरअसल गिरफ्तारी के डर से गायब हुए पी चिदंबरम के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर केंद्रीय सरकार पर सीधा निशाना साधा है। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, हम डरने वाले नहीं हैं, हर जांच का सामना किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, राज्यसभा के अत्यंत योग्य और सम्मानजनक सदस्य हैं पी चिदंबरम। पी चिदंबरम जी के वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दशकों तक निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की है। साथ ही वो सत्ता की असफलताओं को लेकर सच बोलते हैं और सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं। कायरों के लिए सच असुविधाजनक है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं और सच के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। सीबीआई ने उनके घर के बाहर नोटिस लगाया था। उस नोटिस में लिखा था कि 2 घंटे के अंदर उन्हें घर पर पेश होना है, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद से ही सीबीआई चिदंबरम की तलाश कर रही है। इस बीच चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने सीबीआई को एक लेटर लिखकर उनसे पूछा कि आखिर आप मेरे मुवक्किल को घर के बाहर जो नोटिस लगाया है उसमें ये नहीं बताया कि आखिर किस कानून के तहत मेरे मुवक्किल को 2 घंटे के अंदर घर पर पेश होने के लिए कहा गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।